गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ बड़ा घटा 29th of November 2022 के। इसे हमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं, देश से, स्टेट से, विदेश से, जो कि हमें क्या कर सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के याद रखना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए करते हैं आज की पहली खबर को कवर, जो कि हमें देखने को मिलती है कहां से, जो कि देखने को मिलती है हमें चाइना से। अगर हम लोग देखें तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना एक बेस, ठीक है, अपना एक बेस कहां क्रिएट करने वाला है, कहां क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहा है, मून पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अब बात यह आती है ये बेस क्या होगा, तो बेसिकली हमें पता है कि जिस तरह से नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस रिसर्च के ऊपर क्या करता है, काम करता है, उसी तरह चाइना भी क्या करता है अपना स्पेस रिसर्च के ऊपर अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम चलाता है। उसी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो अपना एक बेस कहां पर क्रिएट करे, अपना एक सेंटर कहां क्रिएट करे, आपका मून के ऊपर क्रिएट करे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ये बेस क्रिएट तो हो जाएगा, पर बात यहां पे आती है कि इस बेस को एनर्जी कैसे मिलेगी। तो इस बेस को एनर्जी देने के लिए वो किसका यूज करने वाला है, न्यूक्लियर पावर का क्या करने वाला है, यूज करने वाला है, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या करने वाला है, वहां पर इंस्टॉल करने का प्लानिंग कर रहा है। तो देखिए अगले 6 सालों के अंदर 2028 तक का यह प्लान रखा है, जिसमें क्या कहा गया है, चाइना अपना पहला बेस कहां बनाएगा, मून के ऊपर बनाएगा, जिसमें क्या हो सकता है, एक सेफ एस्ट्रोनॉट लैंडिंग हो सकती है, मतलब जो लोगों को वो क्या करेगा, मून पे भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को, उनकी एक सेफ लैंडिंग हो सकती है। और ये क्या हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है नासा के लिए भी, जो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा जो बेस बनेगा, लूनर बेस जो बनेगा, इस बेस को पावर कहां से मिलेगा, इसको मिलेगा न्यूक्लियर एनर्जी से, मतलब वहां पर उस बेस को संचालित करने के लिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी क्या करेगा, आपका रिस्टोर करेगा। अगर हम बात करें तो इसके इस पूरे के पूरे बेस के अंदर क्या क्या होगा, लैंडर होगा, होपर होगा, ऑर्बिटर होगा, ठीक है, रोवर होगा, ये सब चीजें क्या की जाएगी यहां पर इस मिशन के थ्रू क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस मिशन जिसके थ्रू यहां पर इन चीजों को बनाया जाना है, उस मिशन का नाम क्या है, चैंग 678 मिशन जो है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये पूरा की पूरा बेस तैयार किया जा रहा है, जिसे हम लूनर बेस बोल सकते हैं, मून के ऊपर जो बेस तैयार किया जा रहा है उसकी बात होती हुई हमें नजर आ रही है। चलिए देखते हैं अगली खबर हमें जो देखने को मिलती है, अगली खबर देखने को मिलती है हमें हमारी पानी की सबसे बड़ी कंपनी, हमारे हम सबके मुंह पर पानी के लिए एक ही नाम होता है, बिस्लरी। बिस्लरी जो है वो क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, उसने अपने आप को बेच दिया है, और उसे टेक ओवर किसने किया है, हमारे इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने क्या किया है, आपका बिस्लरी जो कि पानी बनाने वाली एक कंपनी है उसको टेक ओवर किया है, कितने रुपए में, 7,000 करोड़ रुपए के एस्टिमेट के हिसाब से यहां पर उसे क्या किया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा। ये डिक्लेरेशन किनने किया, तो ये चेयरमैन ऑफ बिस्लरी जो है रमेश चौहान, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया, उन्होंने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसे बेचने वाले हैं, और टाटा ग्रुप क्या करेगा, इसे टेक ओवर करता हुआ नजर आएगा। इसका जो एस्टिमेट पैकेज दिया गया कितने में खरीदेगा टाटा ग्रुप, तो 6,000 से 7,000 करोड़ के बीच में पूरी की पूरी डील हमें क्रैक होते हुए नजर आएगी, ठीक है। इसके पहले भी जो बिस्लरी है वो क्या कर चुका है, अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर चुका है, मतलब वो अपने शेयर्स को क्या कर चुका है, बेच चुका है, और शेयर्स को बेचकर वो क्या कर चुका है, पैसा रेस कर चुका है, मतलब मार्केट से मनी उठा चुका है। इसी में देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कुछ सालों पहले उसने अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जो थे, जिसमें अपन थम्सअप की बात करते हैं, गोल्ड स्पॉट की बात करते हैं, लिम्का और कोको कोला की बात करते हैं, यहां पर भी इन्होंने क्या किया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक खबर देखने को मिलती है जो कि टाटा की तरफ से और बिस्लरी की तरफ से आती है, जिसमें देखने को मिलता है कि टाटा जो है वो किसे टेक ओवर कर रहा है, आपका बिस्लरी को टेक ओवर करता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर हमें देखने को मिलती है हमारी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज या वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज से, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हिंदी के नाम से जानते हैं। हिंदी पखवाड़ा जो रिसेंट में कहां सेलिब्रेट किया गया, जो कि नई दिल्ली के अंदर क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया, उसके अंदर 28 नवंबर के दिन क्या किया गया,
प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिन लोगों ने इस हिंदी पखवाड़ा के अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, सही परफॉर्म किया था, जो विनर्स बने थे, उन लोगों को क्या दिया गया है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और वो किसने दिया, लोकसभा के स्पीकर जो कि ओम बिरला साहब हैं, वो क्या उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा अगर देखें हिंदी पखवाड़ा ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, आपका लोकसभा का जो सेक्रेटरिएट है वहां पर, जो कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, वहां ये देखने को मिला। हिंदी पखवाड़ा के अंदर हमने किसके ऊपर बात करी, हमने बात की ब्यूटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए, तो इस पखवाड़ों के अंदर इस तरह की बात होती है, ठीक है। तो हमने देखा अगला जो न्यूज हमें देखने को मिला, वो हमें कहां से देखने को मिला, तो वो हमें देखने को मिलता है आपका कहां से, वो देखने को मिलता है एक इसरो से। इसरो ने क्या किया, इसरो ने पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया है, एक प्राइवेटली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड रॉकेट को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी एक प्राइवेट कंपनी ने क्या किया है, एक रॉकेट बनाया है जिसे क्या किया गया है, आपका इसरो ने लॉन्च किया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या किया है, इस रॉकेट को बनाया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस का बनाया हुआ ये रॉकेट जो कि प्रॉपरली इन अग्निकुल के द्वारा डिजाइंड है और ऑपरेटेड था, उसे क्या किया आपने, इसरो ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ये पहले बार ऐसा हमें देखने को मिला है जो कि यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये इसरो के चेयरमैन साहब जो है, इनका नाम क्या है, एस सोमनाथ, उन्होंने बताया, इस पूरे इंफॉर्मेशन को दिया और बोला कि इस तरह से हम क्या करेंगे, अब प्राइवेट रॉकेट्स को भी लॉन्च करने का काम करेंगे, जिससे क्या हो सकता है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमें जनरेट होते हुए नजर आएगी। अगली जो खबर हमें देखने को मिली, वो देखने को मिली कहां से, वो हमें देखने को मिली एक मिलिट्री एक्सरसाइज से, जो कि हमें कहां देखने को मिली, किन के बीच में देखने को मिली, इंडिया और मलेशिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली, जिसका नाम क्या है, हमारा हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति नाम की एक मिलिट्री आपका क्या है एक्सरसाइज जो है, वह हमें कहां देखने को मिली, इंडिया और मलेशिया के बीच में देखने को मिली, जो कि कहां पर किया गया है, जो कि पोलाई और मलेशिया के अंदर हमें होते हुए नजर आ रही है। अगर हम इस पूरी एक्सरसाइज की बात करें तो इसको खत्म किया जाएगा 12 दिसंबर 2022 को, ठीक है। इसके इस एक्सरसाइज के अंदर किन चीजों को टारगेट करके काम किया जाता है, तो इसमें टारगेट किया जाता है इन एक्सरसाइज के अंदर, इसमें स्कोप दिया जाता है किस तरह से हम कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज या बटालियन लेवल को किस तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनके ऊपर यहां काम करता हुआ नजर आता है। ये एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, ठीक है, जो कि दोनों देशों के बीच में 2012 से क्या हो रहा है, रेगुलरली कंडक्ट हो रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हरिमाऊ शक्ति का नाम दिया है, ठीक है। तो ये हमें एक अगली खबर देखने को मिली। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है, वो हमें कहां से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है कहां से, आपका एक इरप्टेड वॉल्केनो से। एक ज्वालामुखी फटा, ठीक है, कहां पर फटा, वो देखने को मिला हवाई के अंदर, ठीक है। तो एक एक्टिव वॉल्केनो ने क्या किया है, इरप्ट किया है, उसने क्या किया है, वो फट गया है, उसके अंदर जो मैग्मा था वो लावा बनके निकल चुका है। तो ये एक हमें बड़ी खबर देखने को मिलती है, जिसमें देखने को मिला कि 4 दशकों से जो एक हवाई के अंदर ज्वालामुखी था, जिसका नाम क्या है, माउना लाओ, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमें इरप्ट होता हुआ नजर आता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि अभी तक ये क्या था, एक्टिव तो था पर ये क्या था, डेड था। पर अब जैसे ये इरप्ट हो गया, इससे क्या हो गया, आपका लावा निकल गया, तो यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा डिजास्टर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये कहां देखने को मिला, ये 11:30 पीएम पे आपको देखने को मिला। ये पहली बार जब इरप्ट हुआ था, ठीक है, जो वॉल्केनो था वो 1984 में हमें इरप्ट होता हुआ नजर आया था, ठीक है। तो ये एक खबर थी जिसके अंदर हमें चिंता का विषय है कि हम किस तरह से हवाई के लोगों की मदद कर सके, किस तरह से हवाई के अंदर क्या कर सके, एक अच्छा डिजास्टर प्लानिंग और क्या कर सके और लोगों को इस पूरी की पूरे डिजास्टर से क्या कर सके, निकाल सके। इसके लिए वहां पे वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रेसिडेंट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, आपका प्लानिंग कर रही है। तो चलिए, ये खबर थी हमारी किसके बारे में, ये खबर हमें देखने को मिली किसके बारे में, आपका ये देखने को मिली हमें एक इरप्टेड वॉल्केनो के बारे में, जो कि रिसेंट में वापस से 40 सालों के बाद फटता हुआ नजर आया। चलिए, अगली जो खबर हम देखते हैं, वो हमें देखने को मिलती है कहां से, वो देखने को मिलती है एक
एक डॉक्यूमेंट्री से, और वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो कौन सी लैंग्वेज में है, वो संस्कृत लैंग्वेज में है। संस्कृत लैंग्वेज में पहली डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में अभी संपन्न हुआ उसके आखिरी दिन में हमें देखने को मिली, उसके अंदर दिखाई गई। ठीक है, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जन्म नाम की एक संस्कृत की डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को मिली। अगर हम लोग देखें तो जब ये कहाँ कब दिखाई गई, तो ये आपका आईफा का जो पैनोरमा सेशन जो होता है 53rd एडिशन का, उसके अंदर क्या किए, ये आपकी पूरी की पूरी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक के ऊपर क्या की गई है, आपका बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, माय एब्से मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। आपको पता है कि मंगलयान मिशन में एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर के राधा कृष्णन, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरह से मंगलयान मिशन के लिए प्रिपरेशन किया गया, किस तरह से पूरा की पूरा मैनेजमेंट किया गया, मॉड्यूल को सेट किया गया, किस तरह के अटेम्प्ट रहे हैं मंगलयान मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारी चीजों को यहां पर क्या किया गया है, शो किया गया है संस्कृत में एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जो कि क्या बता, इसका नाम क्या है, जन्म। ठीक है, जो कि इंडिया का जो मास ऑर्बिटल मिशन था, मिशन प्रोजेक्ट जिसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं, इसको क्या करता है आपका बताता है। तो यह आज की कुछ बड़ी खबरें हमें देखने को मिली, जिसके अंदर हमने देखा कि मंगलयान मिशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। ठीक है, वही हम देखते हैं कि एक एक जो क्या बोल सकते हैं 40 दशकों से ठंडा एक वोल्केनो था, वो रिसेंट में हवाई में वापस से क्या होता है, एक्टिव मोड में आता हुआ दिखता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं कल इसी समय पर इसी चैनल पर। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।